हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुष्मिता और आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रेशन मटेरियल्स इन डेंटिस्ट्री। सबसे पहले हम इम्प्रेशन मटेरियल्स की हिस्ट्री को जानेंगे और फिर बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। इम्प्रेशन मटेरियल की शुरुआत कब से और किस मटेरियल से हुई? मिड 19th सेंचुरी तक वैक्स ही इम्प्रेशन मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता था। 1857 में थर्मोप्लास्टिक मॉडलिंग कंपाउंड आया जो आज के इम्प्रेशन कंपाउंड से काफ़ी सिमिलर था, बट थर्मोप्लास्टिक मॉडलिंग कंपाउंड के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे ये अंडरकट्स एंड ओरल टिश्यूज़ को अच्छे से कॉपी नहीं कर सकता था और ना ही वो सेट होने के बाद इलास्टिक रहता था। बाद में अगार इम्प्रेशन मटेरियल आया, बट उसे यूज़ करने का प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड और कम्बर्सम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब अगार मिलना बंद हो गया तो एक नया इम्प्रेशन मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम आज एल्जिनेट के नाम से जानते हैं। लेटर ऑन रबर बेस्ड इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स इन्वेंट हुए अगार एंड एल्जिनेट के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए। इम्प्रेशन मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स के अंदर आते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन प्लास्टर्स, जिंक ऑक्साइड इजिनॉल पेस्ट एंड इम्प्रेशन वैक्सेस। इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है हाइड्रोकोलाइट्स में एंड इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स में। हाइड्रोकोलाइट्स के अंदर आते हैं अगार एंड एल्जिनेट। इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के अंदर आते हैं पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड एडिशन सिलिकॉन। रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल्स में सबसे पहले आते हैं इम्प्रेशन प्लास्टर। इम्प्रेशन प्लास्टर डेंटल प्लास्टर जैसे होते हैं जो कास्ट मॉडल्स एंड डाइज बनाने में यूज़ किए जाते हैं, बट इसे अब हम पेशेंट का इम्प्रेशन लेने में यूज़ नहीं करते हैं। इम्प्रेशन कंपाउंड एक म्यूकोकंप्रेसिव, थर्मोप्लास्टिक और रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल है जिसे हम एडेंटलेस पेशेंट में यूज़ करते हैं, पर अब ये कम यूज़ किए जाते हैं क्योंकि एक अच्छा इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए बार बार इम्प्रेशन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और इसकी मिसहैंडलिंग से पेशेंट को बर्न्स होने के चांसेस भी हैं। ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है और ये पैराफिन और बीज वैक्स से बनता है। इसको मोस्टली लेबॉरेटरी प्रोसीजर्स और दूसरे इम्प्रेशन के इम्परफेक्शन को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें यूजिनॉल को क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल से लिया जाता है। ये पेस्ट फॉर्म में ट्यूब्स में आता है। एक ट्यूब में बेस होता है जो वाइट कलर का होता है और दूसरे में कैटलिस्ट होता है जो रेड कलर का होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 3 to 6 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 to 15 मिनट होता है। इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें श्रिंकेज ना के बराबर होता है। ये सरफेस डिटेल्स को काफ़ी एक्यूरेसी से रिकॉर्ड करता है, वर्किंग टाइम अच्छा मिलता है और इम्प्रेशन ट्रे रिमूव करते टाइम इम्प्रेशन डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन मोस्टली सेम ही आती है सभी ब्रांड्स में, तो जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप चूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स में सबसे पहले आता है अगार। जैसे कि पहले बताया गया है, अगार फर्स्ट इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है, बट इसका प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे अब यूज़ नहीं किया जाता। एल्जिनेट वर्ड एल्जिन से आया है, जो एक ब्राउन सीवीड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। ये दो टाइप का होता है, फास्ट सेटिंग एंड नॉर्मल सेटिंग। एल्जिनेट एक पॉपुलर इम्प्रेशन मटेरियल है क्योंकि इसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी है, इकोनॉमिकल है, यूज़ करने में ईजी है, एक्यूरेट डिटेल्स कॉपी करता है, फास्ट सेटिंग है और मिनिमल डिस्प्लेसमेंट करता है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी और टीयर स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है और इसे सही तरीके से मिक्स ना किया जाए तो इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे इम्प्रेशन में एयर बबल्स बन जाते हैं। एल्जिनेट में कुछ रीसेंट एडवांसमेंट भी हुए हैं, जैसे डस्ट फ्री एल्जिनेट। इसमें इनहेलेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पाउडर को ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन से कोट किया जाता है। सिलिकोनाइज्ड एल्जिनेट, इस टाइप में सिलिकॉन पॉलीमर्स को ऐड किया जाता है मटेरियल को स्ट्रेंथन करने के लिए। एल्जिनेट कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट्स, इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स या क्लोरफेनामाइन एडिड होता है। एंड क्रोमैटिक एल्जिनेट, ये एल्जिनेट हर स्टेज पर मिक्सिंग से लेकर सेटिंग तक कलर चेंज करता है। क्रोमैटिक एल्जिनेट बहुत कन्वीनियंस ऐड करता है यूजेज में। एल्जिनेट में इतने एडवांस प्रॉपर्टीज से इम्प्रेशन प्रोसेस काफ़ी हैसल फ्री हो सकता है।
अल्जिनेट खरीदते समय ये प्रॉपर्टी ज़रूर चेक करें। कंपनी सभी तरीके के अल्जिनेट बनाती है, अराउंड 300 से 600 की रेंज में ये मिल जाएंगे। डस्ट फ्री, फास्ट सेटिंग, क्रोमैटिक विद डिसइंफेक्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वाले 500 से 600 में मिल जाएंगे। नॉन एक्वस इलास्टोमर्स में सबसे पहले आते हैं पॉलीसल्फाइड। ये सबसे फ्लेक्सिबल इलास्टोमर्स हैं, बट ये कंडेंसेशन रिएक्शन के टाइम पर वाटर रिलीज करते हैं और इनका टेस्ट और स्मेल पेशेंट को पसंद नहीं आता है। ये सेट होने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिससे इन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। और जब से न्यू इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स मार्केट में आए हैं, इनकी पॉपुलैरिटी और यूजेज कम हो गई है। पॉली ईथर सबसे हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग इंप्रेशन मटेरियल है, और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जहां मॉइस्चर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ये इंप्रेशन मटेरियल वाटर सोक लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं, जिससे इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। ये सेट होने के बाद काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम डीप अंडरकट्स वाले केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। सी सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल सबसे पहला सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल है। इस इंप्रेशन मटेरियल में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, जिससे सी सिलिकॉन श्रिंक हो जाता है। और इंप्रेशन की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इसकी कास्ट जल्दी से पोर करनी पड़ती है, इसी वजह से इसको कंडेंसेशन सिलिकॉन कहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये इंप्रेशन मटेरियल श्रिंक होता है तो ये अभी भी इतना पॉपुलर क्यों है? इसका आंसर सिंपल है। ये सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल एडिशनल सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल की कंपैरेटिवली काफ़ी इकोनॉमिकल है और इसकी एक्यूरेसी अल्जिनेट से बेटर है। एडिशनल सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंप्रेशन मटेरियल है डेंटिस्ट्री में, और इसे PVS पॉलीविनाइल सिलोक्सेन और VPS विनाइल पॉलीसिलोक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। इस मटेरियल में एडिशनल रिएक्शन होती है और कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, इसलिए ये सबसे स्टेबल और एक्यूरेट इंप्रेशन मटेरियल है। इसकी कास्ट को पोर करने से पहले 30 मिनट वेट करना चाहिए ताकि पूरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, वरना कास्ट में पोर्स आ जाते हैं। एडिशनल सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल को लेटेक्स ग्लव, न्यू कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, GIC और रबर डैम से दूर रखना चाहिए, वरना इसकी सेटिंग रिएक्शन खराब हो जाती है। ये डिफरेंट कंसिस्टेंसी में आता है, जैसे लाइट बॉडी, मीडियम बॉडी, हैवी बॉडी, मोनोफेस एंड पटी। कंडेंसेशन सिलिकॉन का प्राइस ऑलमोस्ट 1800 से 2500 के बीच में वेरी करता है, एंड ए सिलिकॉन 5000 से 8000 रुपए के प्राइस रेंज में आता है। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट इंप्रेशन मटेरियल्स इन ब्रीफ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। And please like and subscribe to our channel and click on the bell icon to get new video updates.